गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन निर्माण की क्रिया के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनोजेनेसिस को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो है कब स्टार्ट होती है, क्या है और किस प्रकार से होती है। तो ये भ्रूणीय विकास की अवस्था है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जब जायगोट बनता है, जायगोट में विदलन शुरू होता है, विदलन के बाद में सबसे पहली जो अवस्था है वो मोरूला होती है। मोरूला अवस्था के बाद में फिर ब्लास्टुला अवस्था आती है, ब्लास्टुला के बाद में गैस्ट्रुला अवस्था आती है, गैस्ट्रुला अवस्था के बाद में फिर ऑर्गन्स का निर्माण शुरू होता है जिसमें ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। तो गैस्ट्रुलेशन से पहले यानी गैस्ट्रुला बनने से पहले किसी प्रकार के ऑर्गन का निर्माण नहीं होता, गैस्ट्रुला के बाद में ही ऑर्गन फॉर्मेशन होता है। इसलिए जो गैस्ट्रुलेशन की जो प्रक्रिया है, क्योंकि गैस्ट्रुला में ही तीन जर्म लेयर जो होती हैं इंपॉर्टेंट जिनसे ऑर्गन्स बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये जो तीनों डर्म हैं, ये तीनों लेयर हैं वो गैस्ट्रुला अवस्था में ही बनती हैं। इसलिए गैस्ट्रुलेशन के बाद में ही ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया शुरू होती है। गैस्ट्रुलेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्म लेयर दैट गिव राइज ड्यूरिंग द फर्दर डेवलपमेंट टू द डिफरेंट ऑर्गन्स इन द एनिमल बॉडी। शरीर, प्राणी के शरीर में जो विभिन्न अंगों का विकास होता है वह गैस्ट्रुलेशन के बाद में ही होता है और इस विकास को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस, इस क्रिया को ही ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। ऑर्गेनोजेनेसिस इज द फेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दैट स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ द गैस्ट्रुलेशन एंड कंटिन्यू अंटिल बर्थ। गैस्ट्रुलेशन ही वह प्रक्रिया है भ्रूण विकास की जो गैस्ट्रुलेशन से आरंभ होती है और जन्म तक, जन्म जब तक नहीं हो जाता तब तक वो चलती रहती है। ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस दीज थ्री जर्म लेयर्स फॉर्म फ्रॉम द गैस्ट्रुलेशन। ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ये तीन जर्म लेयर बनती हैं जिससे इंटरनल ऑर्गन्स का निर्माण होता है प्राणी के। उसके बाद जो एपिथेलियम मॉर्फोजेनेसिस, एपिथेलियल मॉर्फोजेनेसिस कंप्राइजेस द वेरियस प्रोसेस बाय विच एपिथेलिया कंट्रीब्यूट टू ऑर्गन फॉर्मेशन एंड बॉडी शेप। These complex and diverse events play a central role in the animal development and regeneration. ये epithelia, जिससे कि skin का निर्माण होता है, epithelium का निर्माण होता है, उसमें बहुत सारे organs का, उसके साथ ही बहुत सारे organ बनते हैं। These complex and diverse events play a central role in the animal development and regeneration. पुनरुद्ध, न केवल प्राणी के विकास में बल्कि पुनरुद्भवन की क्रिया में भी ये epithelium का morphogenesis ये role play करता है। Invertebrates, कशेरुकियों में, one of the primary step during the organogenesis is the formation of nervous system. कशेरुकियों में सबसे जो important घटना है वो है nervous system का विकास प्राणियों के अंदर। Interestingly, nervous system originates from the ectoderm, not mesoderm. बहुत ही रुचिकर है ये कि नर्वस सिस्टम का जो विकास है वो एक्टोडर्म से होता है ना कि मेसोडर्म से, जबकि मेसोडर्म से ही ज्यादातर अंगों, इंटरनल ऑर्गन्स का विकास होता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल सिस्टम इंडक्शन कॉजेज द सम सेल्स एट द एज ऑफ द एक्टोडर्म टू बिकम द एपिडर्मिस सेल्स। द रिमेनिंग सेल्स ऑफ द सेंटर फ्रॉम द न्यूरल प्लेट विच विल गो ऑन टू फॉर्म ए नर्वस सिस्टम। एपिडर्मल जो प्लेट होती है गैस्ट्रुला अवस्था में, एपिडर्मल या एक्टोडर्मल प्लेट होती है, उस एक्टोडर्मल प्लेट में खांच के बनने से, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर के बनने से नर्वस सिस्टम का विकास होता है। इमीडिएटली विनीथ द न्यूरल प्लेट ए रॉड शेप्ड मेसोडर्मल स्ट्रक्चर कॉल्ड नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड सिग्नल्स द न्यूरल प्लेट सेल्स टू फोल्ड ओवर फॉर्म ए ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूरल ट्यूब। जो नोटोकॉर्ड होती है जो मेसोडर्म से बनते हैं, वो नोटोकॉर्ड ही उसको इंडिकेट करती है, उसको सिग्नल देती है एक्टोडर्मल प्लेट को वो कि न्यूरल ट्यूब बनाए। ड्यूरिंग लेटर डेवलपमेंट द नोटोकॉर्ड विल डिसअपियर एंड गोज टू द एल टू फॉर्म द स्पंजी डिस्क बिटवीन द वर्टिब्री एंड न्यूरल ट्यूब विल गिव राइज टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बाद की अवस्थाओं में ये नोटोकॉर्ड है वो विलुप्त हो जाती है, केवल कशेरुकियों के बीच में जो स्पंजी डिस्क होती है उनके बीच में उसके रूप में रह जाती है, मॉडिफाई हो जाती है और न्यूरल ट्यूब जो है उससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का विकास हो जाता है जिससे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनते हैं। इसके बाद में
ये एक चित्र है जिसके अंदर ये चार स्टेजों में ये नर्वस सिस्टम का विकास होना बताया है। ये एक न्यूरल प्लेट है, न्यूरल प्लेट के धंसने से ये न्यूरल ट्यूब बना, न्यूरल ट्यूब बनने से जो आगे चल करके नर्वस सिस्टम बनाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये न्यूरल क्रेस्ट है जो इसके फोल्ड हैं उन किनारों को क्रेस्ट कहते हैं, उन क्रेस्ट से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का विकास होता है, यानी इससे निकलने वाली तंत्रिकाएं इस न्यूरल क्रेस्ट से बनती हैं, और फिर उसके बाद ये जो इसके साइडों में मेजोडर्मल गुच्छे हैं इनसे आगे चलकर के इंटरनल ऑर्गन्स का निर्माण होगा, और ये नोटोकॉर्ड है इससे इसका विकास होगा। नोटोकॉर्ड भाग आप बाद में चलकर के कशेरुकियों के बीच में स्पंजी डिस्क के रूप में बदल जाती है, और इस न्यूरल ट्यूब से ही आगे चलकर के मस्तिष्क और मेरुरज्जु का विकास होता है। तो इस प्रकार से ये मेजोडर्म दैट लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रेट न्यूरल ट्यूब फॉर्म ए सेट ऑफ टेम्परेरी स्ट्रक्चर कॉल्ड सोमाइट्स। जो न्यूरल ट्यूब है वर्टिब्रेट्स के अंदर वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर यानी सोमाइट्स के गुच्छे के रूप में पड़ी रहती है, बाद में उससे इंटरनल ऑर्गन्स का विकास होता है। लेटर इन डेवलपमेंट द सेल्स विद इन द सोमाइट्स विल माइग्रेट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू डेवलप द बोन स्केलेटल मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द स्किन। बाद में इन सोमाइट से ही कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण होता है, स्केलेटल मसल्स का निर्माण होता है, अस्थियों का निर्माण होता है, इस प्रकार से वेरियस ऑर्गन्स का इनसे निर्माण होता है। In vertebrates, one of the primary step during organogenesis is the formation of neural system. Ectoderm forms the epithelial cells and tissues, the neuronal tissues during the formation of neural system. Special signaling molecules called growth factors signal some of cells of age of the ectoderm to become the epidermis cells. The remaining cells of the center form the neural plate. Kuch जो नोटोकॉर्डल सेल्स हैं वो सिग्नल्स देती हैं, उन सिग्नल्स के आधार पर रिसीव करके ही न्यूरल प्लेट में वो खांच बनती है, और जिससे न्यूरल ट्यूब का निर्माण होता है जो आगे चल करके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। इफ द सिग्नलिंग बाय द ग्रोथ फैक्टर वर डिसरप्टेड, यदि ये सिग्नलिंग किसी कारणवश से बाधित हो जाए तो द एंटायर एक्टोडर्म वुड डिफरेंशिएट इनटू द न्यूरल टिश्यू। तो पूरी की पूरी जो एक्टोडर्म है वो न्यूरल टिश्यू के अंदर डिफरेंशिएट हो जाएगी। The neural plate undergo a series of cell movements where the rolls up it forms a tube called neural tube. The neural plate में एक विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं जिससे आगे चलकर के neural plate neural tube बनता है। In further development, the neural tube will give rise to the brain and spinal cord, and the central region of the ectoderm forms the neural tube which give rise to the brain and spinal cord. The mesoderm that lies on either side of the vertebral neural tube will develop into the various connective tissue of this animal body. A special pattern of gene expression recognizes the mesoderm into the groups of cells called somites with spaces between them. Somites will further develop into the ribs, lungs, segmental spine muscles. ये जो सोमाइट्स हैं आगे चलकर के विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स बनाते हैं। मेजोडर्म आल्सो फॉर्म द ए स्ट्रक्चर कॉल्ड नोटोकॉर्ड विच इज रॉड शेप्ड एंड फॉर्म द सेंट्रल एक्सिस ऑफ एनिमल बॉडी। तो ये था ऑर्गेनोजेनेसिस और मॉर्फोजेनेसिस के बारे में इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच।